Very good afternoon, all dear students. So today we will be continuing with the control drug delivery system. Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. The last class we have studied about the control drug delivery system. हमने start किया था CDDS. इसी को आज continue करेंगे अपन. We have studied about the that is the definition क्या होता है, control release क्या होता है, sustained release क्या होता है, क्या difference होते हैं दोनों में. Okay. Then advantages and disadvantages, classification. So in the classification we have studied that is the control drug delivery system has been classified on the basis of their technical sophistication, that is rate pre-programmed drug delivery system, activation modulated drug delivery system, feedback regulated drug delivery system and site targeting drug delivery system. ये हम लोगों ने last class में देखा था कौन से system में क्या क्या चीजें चलती हैं. कुछ examples we have studied को कंटिन्यू करते हुए टुडे हम इसको केमिकल मींस फिजिकल ये ऑस्मोटिक एलजेड ऑस्मोटिक पंप हमने पढ़ा था. ओके सो टुडे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम, दैट इज हाइड्रोडायनामिक प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इसको पुश पुल ऑस्मोटिक पंप भी कहा जाता है. दिस सिस्टम इज फैब्रिकेटेड बाय इंक्लोजिंग अ कोलैप्सिबल इंपरमीबल कंटेनर which contains liquid drug formulation to form a drug reservoir. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, जैसे ड्रग डिलीवरी ऑरिफाइस है जहां से ड्रग निकलेगा, जैसे कोलैप्सिबल ड्रग कंटेनर है ये. कोलैप्सिबल मतलब जो प्रेशर के माध्यम से, प्रेशर की वजह से, जिसमें से जैसे कोलैप्सिबल ट्यूब्स होते हैं ना जिसमें सेमी जो अपने पेस्ट या ऑइंटमेंट रखे जाते हैं. ओके तो जब इसमें प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से आपका ड्रग डिलीवर होगा. एब्सॉर्बेंट है, सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक लेयर आप देख सकते हो, इट्स अ शेप रिटेनिंग हाउसिंग एंड दीज आर एनुलर ओपनिंग्स. सो अ कंपोजिट लैमिनेट ऑफ एन एब्जॉर्बेंट लेयर एंड अ सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर लेयर इज सैंडविच्ड. जब हम GIT की बात करेंगे, सो इन द GIT द लैमिनेट एब्जॉर्ब द फ्लूइड GI फ्लूइड थ्रू द एनुलर ओपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ द हाउसिंग एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली स्वेलन विच जनरेट्स हाइड्रोडायनामिक प्रेशर इन द सिस्टम. देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जब इस सिस्टम को हम बॉडी में डालते हैं तो GIT फ्लूइड नीचे ये जो ऑर्निलर ओपनिंग है इसके थ्रू इसमें एंटर करता है. ये जो मेम्ब्रेन है स्वेल होती है, स्वेल होने की वजह से जो एरिया है वो डिक्रीज होता जाता है और कोलैप्स होता जाता है और उसकी वजह से यहाँ से ड्रग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. रेट ऑफ ड्रग रिलीज इज डिफाइंड जैसे कि आप देख सकते हो, PF इज द फ्लूइड परमेबिलिटी, K इज द इफेक्टिव सरफेस एरिया, H इज द थिकनेस ऑफ द वॉल विद एनुलर ओपनिंग and eta is the differential hydrodynamic pressure between the drug delivery system and the environment. Rate controlling factors yahan pe kya hai, fluid permeability, effective surface area of the wall with the annular opening and hydrodynamic pressure gradient. These are the vapor pressure, this is the next form, vapor pressure activated drug delivery system. Yahan pe bhi aap dekh sakte ho, there is a inlet port, drug outlet hai, housing hai, drug diffuser chamber hai, flexible freely movable. पहलो है वेपराइज्ड वेपराइजेबल फ्लूइड चैम्बर है. यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो वहां पे था, इन दिस सिस्टम द ड्रग रिजर्वायर इज इन द सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन इज कंटेन्ड इनसाइड द इन्फ्यूज्ड चैम्बर, इट इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम वेपर प्रेशर चैम्बर बाय फ्रीली मूवेबल बेलोज. द वेपर चैम्बर कंटेन्स अ वेपराइजेबल फ्लूइड व्हिच वेपराइज एट द बॉडी टेम्परेचर एंड क्रिएट्स अ वेपर प्रेशर. तो यहाँ पे जो वेपर चैम्बर है इसमें एक ऐसा फ्लूइड रहेगा जो कि बॉडी टेम्परेचर पे अपने आप को वेपर में कन्वर्ट करेगा और उस वेपर की वजह से एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा. ओके सो अंडर द वेपर प्रेशर क्रिएटेड द बेलोज मूव्स अपवर्ड एंड फोर्सेस द ड्रग सॉल्यूशन इनटू द इन्फ्यूज्ड चैम्बर टू रिलीज थ्रू अ सीरीज ऑफ फ्लो रेगुलेटर्स एंड डिलीवरी कैनुला इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एट द कॉन्स्टेंट फ्लो. ओके तो ये देख सकते हो आप, दिस इज अ वेपोराइजेबल फ्लूइड चैम्बर. यहाँ पे
इससे वेपर्स क्रिएट होंगे और ये वेपर्स क्या करेंगे, इस चैम्बर को जिसमें ड्रग है उसको प्रेस करेंगे, ओके, उसकी वजह से ड्रग बाहर की तरफ होगा। द रेट ऑफ ड्रग रिलीज यहाँ पे कैलकुलेट होगा, इट इज क्यू बाई टी, इट इज रेट ऑफ ड्रग रिलीज, डी इज द इनर डायमीटर ऑफ कैन्यूला, एल इज द लेंथ ऑफ कैन्यूला, एंड पी इज द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर इन द वेपर चैम्बर एंड प्रेशर एट द इम्प्लांटेशन साइट, दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ द ड्रग सॉल्यूशन। इस इक्वेशन से आप रेट ऑफ ड्रग रिलीज निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेट कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं डिफरेंशियल वेपर प्रेशर, फॉर्मुलेशन विस्कोसिटी एंड साइज ऑफ डिलीवरी कैन्यूला। Example, an implantable infusion pump for the constant infusion of heparin for anticoagulant therapy, that is insulin in diabetic treatment, and morphine for patients suffering from intensive pain of terminal cancer. These all products are already available in the market in the form of implantable infusion pump. Next aata hai mechanically activated drug delivery systems. Ye, in this type the drug delivery, the drug reservoir in the solution form retained in a container equipped with the mechanically activated pumping system. Yahan pe mechanically hum activate karenge ya pump karenge, okay. A measured dose of drug formulation is reproducible delivered to the body cavity, example for the nose, through the spray head upon manual activation of drug delivery pumping system. ये आपने देखा होगा, इट्स अ टाइप मीटर डोज इनहेलर है, इसमें एरोसोल रहता है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, एस्थमेटिक पेशेंट्स यूज करते हैं इसको। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिलीवर्ड इज कंट्रोलेबल एज स्मॉल एज 10 टू 100 माइक्रोलीटर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिवेशन अप्लाइड एज वेल एज सॉल्यूशन फॉर्म वॉल्यूम इन द कंटेनर। ये मैकेनिकल क्यों है, क्योंकि इसको मैकेनिकली यूज किया जाता है, आपको पंप के ऊपर जो बटन होता है उसको प्रेस करना पड़ता है, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है जिसकी वजह से ड्रग का रिलीज होता है। मैग्नेटिकली एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम आते हैं फिर, तो जैसा कि नाम है यहाँ से मैग्नेटिकली एक्टिवेटिंग, मतलब कहीं ना कहीं आपको मैग्नेटिक फील्ड का यूज करना पड़ेगा। इन दिस टाइप ऑफ ड्रग रिजर्वायर a dispersion of peptide or protein powders in the polymer matrix from which macromolecular drug can be delivered only at a relatively slow rate. This low rate of delivery can be improved by incorporating electromagnetically triggered vibration mechanism into polymeric device combined with a hemispherical design. ये जो device होता है is fabricated by positioning a tiny magnet ring in a core of hemispherical drug dispersing polymer matrix. The external surface is coated with drug impermeable polymer, that is you can use ethylene, vinyl acetate or silicone elastomer, except one cavity at the center of the flat surface. This delivery device is used to deliver protein drugs jaise ki bovine serum albumin ho gaya at the low basal rate by simple diffusion process under the non-triggering condition. As the magnet is activated into vibrate by external electromagnetic field, drug molecules are delivered at much higher rates. नेक्स्ट आता है सोनोफोरोसिस। ये था मैग्नेटिकली, जो हम मैग्नेटिकली एक्टिवेट करके ड्रग डिलीवरी करवाएंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे मैग्नेट को एक्टिवेट किया जाता है टू वाइब्रेट बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे वी हैव टू यूज एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा अच्छे मच हायर रेट से डिलीवर हो जाते हैं बॉडी। नेक्स्ट आता है सोनोफोरोसिस, इट्स एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसको और फोनोफोरोसिस कहा गया। दिस टाइप ऑफ सिस्टम यूटिलाइजेस अल्ट्रासोनिक एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं इट इज अल्ट्रासोनिक एनर्जी टू एक्टिवेट और ट्रिगर द डिलीवरी ऑफ ड्रग फ्रॉम द पॉलीमरिक ड्रग डिवाइस। दिस सिस्टम कैन बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर और बायो इरोडेबल पॉलीमर, ठीक है। नॉन डिग्रेडेबल मतलब इथाइलिन विनाइल एसिटेट यू कैन यूज एज अ नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर, एंड बायो इरोडेबल पॉलीमर की बात करें तो पॉलीब्रिस पी कार्बोक्सी फिनॉक्सी एल्केन एनहाइड्राइड यू कैन यूज एज अ बायो इरोडेबल पॉलीमर। द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ सोनोफोरोसिस टू रेगुलेट द डिलीवरी ऑफ ड्रग्स फॉर रिसेंटली रिव्यू, ये आप देख सकते हो, इट्स अ ड्रग रिजर्वायर, स्ट्रेटम कॉर्नियम, इट इज अवर स्किन लेयर, परमिएशन एपिडर्मिस डर्मिस, ड्रग का अपटेक हो रहा है, पैपिलरी लेयर कैपिलरी नेटवर्क देख सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन सब डर्मल टिश्यू। नेक्स्ट आता है आयंटोफोरेसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दिस टाइप ऑफ सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल करंट टू एक्टिवेट टू मॉड्यूलेट द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन।
Enterophorosis facilitated skin permeation rate of charge molecule that is consist of three component that is expressed by J, JP, JE and JC. देख सकते हो आप JP is the passive skin permeation flux. ठीक जिसमें जिसकी equation दी हुई है KS that is partition coefficient for interfacial partitioning from donor solution to the stratum corneum is the diffusivity across the skin and next is the concentration gradient across the skin. JE is electrical current driven through permeation flux. Equation दी हुई है जिसमें electrical valency of the ionic species रहेगा, diffusivity of ionic species रहेगा, है ना, Faraday constant रहेगा, absolute temperature, donor concentration, electrical potential gradient across the skin. This is the convective flow driven skin permeation flux. तो तीन प्रकार के flux काम करेंगे. पहला passive skin permeation flux, दूसरा electrical current driven permeation flux और तीसरा convective flow driven skin permeation flux. तीनों की अपने अपने equations हैं. This system to facilitate the percutaneous permeation of anti-inflammatory drugs जैसे कि dexamethasone sodium phosphate to the surface tissue. Next आता है hydration activated drug delivery system. In this system the drug reservoir is homogeneously dispersed in a soluble polymer matrix fabricated from a hydrophilic polymer and that is ethylene glycomethyl acrylate. The release of drug is controlled by the rate of swelling of polymer matrix. इसमें सबसे पहला पीएच एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. दिस टाइप ऑफ केमिकली एक्टिवेटेड सिस्टम परमिट्स टारगेटिंग ऑफ डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स ओनली इन द रीजन विद द सिलेक्टेड पीएच रेंज. इट इज फैब्रिकेटेड बाय कोटिंग द ड्रग कंटेनिंग कोर विद अ पीएच दैट इज अ सेंसिटिव पॉलीमर कॉम्बिनेशन. फॉर इंस्टेंसेस अ गैस्ट्रिक फ्लूइड लायबल ड्रग इज प्रोटेक्टेड बाय एनकैप्सुलेटिंग इट इनसाइड अ पॉलीमर मेम्ब्रेन दैट रेजिस्ट द डिग्रेडेटिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पीएच. आप देख सकते हो स्टमक का पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है. इट इज अबाउट 3-4. गैस्ट्रिक एम्प्टिंग गैस्ट्रिक फ्लूइड लायबल कोटिंग अगर हमने करी है और इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाता है तो उसका पीएच हो जाता है 7.5. तो एज यू कैन सी जब ये स्टमक में था, ठीक है, इट्स अ कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल पॉलीमर जो कि इस पीएच पे इनसॉल्युबल रही. जैसे वो इंटेस्टाइन में क्या बेसिक पीएच पे आया तो वो जो लेयर है वो जो कोटिंग है वो सॉल्युबल हो गई और ड्रग रिलीज होना स्टार्ट हो गया. सम एंट्री कोटिंग भी कहते हैं दैट इज पीएच डिपेंडेंट. ओके तो इन द स्टमक कोटिंग मेम्ब्रेन रेजिस्ट द ड्रग एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड दैट इज पीएच बिलो देन 3 एंड द ड्रग मॉलिक्यूल जस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसिड डिग्रेडेशन. जैसे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हुई तो जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम था वो ट्रेवल हुआ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. वहां पे आप देखेंगे पीएच इज 7.5 अप्रोक्सीमेटली दैट एक्टिवेट्स द इरोजन ऑफ द इंटेस्टाइनल फ्लूइड soluble polymer from the coating membrane. This leaves a microporous membrane constructed from an intestinal fluids insoluble polymer which control the release of drug from the core tablet. So the drug solute is thus delivered at a controlled manner in the intestine by the combination of drug dissolution and pore channel diffusion. So pehla ho gaya pH activated, dusra aata hai ion activated drug delivery system. So an ionic or charged drug can be delivered by this method and this system are prepared by first complexing an ionic drug with the ion exchange resin containing a suitable counter ion. For an example, agar hum a complex form karte hain between a cationic drug with a resin having a SO3 group or between an anionic drug with a resin having a NCH3 group, the granules of drug resin complex are first treated with an impregnating agent and then coated with a water soluble but water permeable polymeric membrane. This membrane serves as a rate controlling barrier to modulate the flux of ions as well as the release of the drug from the formulation. In an electrolyte medium such as gastric fluid, ions diffuses into the system, react with the drug resin complex and trigger the release of ionic compound. Since the GI fluid regularly maintains a relatively constant level of ions, theoretically the delivery of the drug from this ion activated oral drug delivery system can be maintained at the relatively constant rate. Dekho simple si cheez hai, hum ek cheez aap commonly dekh rahe ho ki kahin na kahin there is some parameter which are responsible for the drug delivery. Kabhi pH activation hota hai, kabhi mechanical activation hota hai, kabhi vaporization activation hota hai, ye sari cheeze rehti hai. तो ये जो है दैट इज द आयन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम.
ये जो मेम्ब्रेन है दैट सर्व्स एज अ रेट कंट्रोलिंग बैरियर टू द टू मॉड्यूलेट द इनफ्लक्स ऑफ द आयंस एज वेल एज द रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द सिस्टम. इन एन इलेक्ट्रोलाइट मीडियम जैसे कि गैस्ट्रिक फ्लूइड आयंस है डिफ्यूजेस इनटू द सिस्टम रिएक्ट विद द ड्रग रेजिन कॉम्प्लेक्स एंड ट्रिगर द रिलीज ऑफ आयन इन ड्रग. सिंस द जीआई फ्लूइड रेगुलरली मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट लेवल ऑफ आयन theoretically the delivery of the drug from this ion activated oral drug delivery system can be maintained at relatively constant rate. Next aata hai hydrolysis activated drug delivery system. So this type of system depends on the hydrolysis process to activate the release of the drug, and the drug reservoir is either encapsulated in micro capsule or homogeneously dispersed in a micro sphere or nanoparticle for injection. All these systems are prepared from bioerodible or biodegradable polymers. It is a very common thing. जितने भी systems हैं इनमें या तो bioerodible या biodegradable polymers का use किया जाएगा. It is activated by hydrolysis induced degradation of polymer chain and is controlled by the rate of the polymer degradation. Example, releasing biodegradable subdermal implant that is luteinizing hormone releasing hormone होता है ये. ठीक है, which is designed to deliver goserlin, a synthetic LHRH. It is a type of a releasing hormone जो body release करती है, analog for 1 month treatment of prostate carcinoma. Then comes enzyme activated drug delivery system. This system of biochemical, this type of biochemical system depends on the enzymatic process. यहाँ पे enzymatic process वो triggering factor है जो activate करेगा release of drug को. Drug reservoir is either physically entrapped in microsphere or chemically bound to polymer chain for from biopolymer. It is albumin or polypeptides. The release of the drug is activated by enzymatic hydrolysis of biopolymers that are albumins or polypeptides by specific enzyme in target tissue. This is a feedback regulated drug delivery system. In this group, the release of drug molecules from the delivery system is activated by triggering agent. Okay. The rate of the drug release is controlled by concentration of the triggering agent. It's from कहीं ना कहीं pulsatile drug delivery system कहते हैं. It is a pulsatile मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ एक ऐसा triggering factor होगा जो that is required for the drug release. Okay. That will be responsible for the drug release. अब जब हम बात करते हैं feedback regulatory drug delivery system की तो आप इसमें देखोगे इसको तीन type से classify किया है. Bio erosion drug regulated drug delivery system, bio-responsive drug delivery system and self-regulatory drug delivery system. सबसे पहले bio-erosion regulated drug delivery system. This system was developed by Heller and Trasconi, and the system consisted of drug dispersed bio-erodible matrix fabricated from polyvinyl methyl ether, which is coated with layer of immobilized urease. आप देख सकते हो, this is a polyvinyl methyl ether half ester. This is a monolithic matrix. इसमें hydrocortisone है, ये यूरिया के ऊपर इनमें वो किया हुई है, कोटिंग की हुई है. यूरिया जब उसमें आता है तो यूरिया और H2O के साथ ये रिएक्शन होता है पॉलीमर और hydrocortisone. इन द सॉल्यूशन विद नियर न्यूट्रल पीएच द पॉलीमर ओनली इरोड्स वेरी स्लोली. इन प्रेजेंस ऑफ यूरिया यूरिएस मेटाबोलाइजेस यूरिया टू फॉर्म अमोनिया. दिस कॉजेस इंक्रीज इन पीएच एंड रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर विद रिलीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल. नेक्स्ट आता है बायो रिस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे. जो भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए प्लीज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज प्लीज लेट मी नो. सो थैंक यू एंड स्टे सेफ.